हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के बारे में अभी तक पढ़ा है, जिसमें हमने प्लेन मिरर और कर्व मिरर के बारे में पढ़ा, वो किस तरह से इमेजेस फॉर्म करते हैं वो भी हमने पढ़ा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। यहाँ पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ तो यह है कि हमें ये जानना होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। वो स्ट्रेट पाथ पर जरूरी नहीं है कि चलेगा, वो अपने पाथ से डेविएट होता है, बेंड हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में बड़ा फर्क ये है कि रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे है वो टकरा करके वापस उसी मीडियम में आता था जिस मीडियम में इंसिडेंट रे हुआ करता था, है ना। और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है कि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। रिफ्रैक्टेड जो लाइट होता है वो दूसरे मीडियम में चला जाता है, इंसिडेंट रे डिफरेंट मीडियम में और रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मीडियम चेंज होता है और मीडियम चेंज के हिसाब से कई सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और वो एक्चुअली में डिसाइड होता है कि जो दोनों मीडियम है उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि लाइट जो है वो कितना बेंड होगा, किधर बेंड होगा, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ पढ़ा था। ठीक, तो फर्स्ट लॉ देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे। कहा गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। दो मीडियम्स होते हैं, है ना, दोनों मीडियम का अपना एक बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब कॉमन बाउंड्री है, इंटरफेस है ना। तो उस मीडियम पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है ना। तो ये जो तीनों हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द बाउंड्री, तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ था वो ऐसा ही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते थे। यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द बाउंड्री, ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, तो एक जैसा दोनों लॉ है ना। तो इसको समझते हैं एक डायग्राम से। आप देखेंगे यहां पर जो है ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बाउंड्री है। ठीक है, दो मीडियम की बाउंड्री है। ऊपर जैसे मैं मान लेता हूं कि इसके एयर है और नीचे मान लेता हूं कि वाटर है। ठीक, तो जो एयर है उसमें इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सा है, ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना। और वाटर में जो लाइट रे पास कर गया इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे, है ना। इसको रिफ्रैक्टेड भी कह सकते हैं और ट्रांसमिटेड भी कह सकते हैं। बाउंड्री जो है दोनों मीडियम का, उस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टू द बाउंड्री, ये हो गया नॉर्मल। ठीक, अब चूंकि दो डिफरेंट मीडियम्स हैं तो दोनों मीडियम का डिफरेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे ऊपर एयर है तो एयर जिस एयर जो मीडियम है उसमें इंसिडेंट रे है, तो उस मीडियम को मैं लिख देता हूँ म्यू आई, है ना। म्यू आई का मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे है। ठीक है, और वाटर जो है, वाटर भी एक मीडियम है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैं लिखता हूँ म्यू आर। म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं इसको, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं इसको,
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल। ठीक, तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाइक करते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो प्लेन है वो वर्टिकल हो, कैसा भी हो सकता है लेकिन एक प्लेन में लाइक करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमने पहला लॉ पढ़ा था, तो वहां पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने सीखा था। क्या सीखा था? कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो उन तीन में से दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट मिला करके जीरो हो जाता है ना। तो यहां भी वैसे कर सकते हैं, जैसे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं आई, नॉर्मल के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं एन, और रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं आर। तो ये जो तीन वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर को प्लेनर है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो इनमें से कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आई क्रॉस एन ले लेता हूं, ये क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। कारण ये है कि चूंकि ये तीनों सेम प्लेन में है, जैसे आप देखेंगे तो ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा होगा, चाहे आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसके स्क्रीन के प्लेन में है तीनों के तीनों। तो आई क्रॉस एन जो है वो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आई क्रॉस एन जो है ये परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। ठीक है, जबकि ये तीनों आई एन और आर तीनों स्क्रीन के प्लेन में है, आर जो है ये इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन, प्लेन ऑफ स्क्रीन। तो आप समझ सकते हैं कि आई क्रॉस एन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, आर स्क्रीन के पैरेलल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग और भी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन क्रॉस आर डॉट आई ये हो जाएगा जीरो। ऐसा भी कर सकते हैं कि आई क्रॉस आर डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और जो तीसरा बच गया उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, ये चीज हमने वहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सीखा था। ठीक, अब ये तो हो गया फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लॉ क्या बताया? कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रिफ्लेक्शन में था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसमें जो सेकेंड लॉ था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का रिलेशन बताता था। कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां भी जो सेकेंड लॉ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल रिलेशन बताता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, है ना। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्नेल्स लॉ। ये बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। ठीक है, हालांकि आप जब बुक में देखेंगे तो बुक्स में कुछ डिफरेंट तरीके से यही फॉर्मूला लिखा रहता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, ऐसे कुछ करके लिखा रहता है। उसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना, कि जो म्यू वन है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट रे उसमें है कि किसमें है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ये याद करने के लिए भी अच्छा है, और जब आप प्रॉब्लम सोल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाते हैं, और खास बात यह है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं होते, है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो
इमेज फॉर्मेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चंस के जो डिफरेंट टाइप के इमेजेस बनेंगे वो समझ में आ जाता है कि किसके बाद कौन सा इमेज बनेगा, इसके बाद कौन सा इमेज बनेगा, रिफ्रैक्टिवनेस किस मीडियम का लेना है ना। तो मैं बताता हूँ ये जो फॉर्मूला है इसके बारे में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें आप देखेंगे याद करने के लिए कितना अच्छा है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रहे उसी मीडियम का एंगल है आई और उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आई, है ना। यहाँ पर डायग्राम अगर देखेंगे आप, यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, उसी मीडियम में जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, उस मीडियम में है जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, है ना। तो ये हमने लिया म्यू आई इंटू साइन आई, ये लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी में एंगल लिया, फिर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। म्यू आर मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि वेयर म्यू आई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, ठीक है। अब म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू आर कह सकते हैं इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, ठीक है। म्यू आई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कि इंसिडेंट रे है और म्यू आर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे है। ये ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे ऐसे लेयर होंगे, पैरेलल लेयर, बहुत सारे बाउंड्री होंगी, तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो नॉर्मल से एंगल बना रहा होगा लाइट रे, उस एंगल का साइन लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो सारे बराबर होते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे भी सीख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे देखेंगे ये गया यहाँ पर, सपोज ये गया ऐसे, है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और ये एंगल है आर वन, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू और ये एंगल है आर टू, ये एंगल भी है आर टू। उसी तरह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू थ्री और यहाँ पर एंगल है आर थ्री, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू वन साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर थ्री। देख सकते हैं जिस मीडियम में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया उस मीडियम में एंगल लिया है ना म्यू वन साइन आर वन, फिर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके में एंगल है आर टू तो म्यू टू साइन आर टू, फिर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका एंगल आर थ्री म्यू थ्री साइन आर थ्री, है ना। ऐसे 10 भी मीडियम होंगे तो हर मीडियम में म्यू और साइन एंगल का मल्टीप्लाई करके देखेंगे प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा सब, ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत काम का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, है ना।